साथियों जय किसान, अभी हमें सिंगू बॉर्डर पे और खटकड़ टोल प्लाजा से जो 2 अगस्त को किसान संघर्ष कावड़ यात्रा चली थी वो टिकरी बॉर्डर के बाद अभी सिंगू बॉर्डर पहुंची है और कल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी और आप देखेंगे, बात भी करवाएंगे, पूरी यात्रा दिखाएंगे। कावड़ की तर्ज पे हरियाणा में आंदोलन को मजबूती देने के लिए हरियाणा के युवाओं ने एक ऐतिहासिक मुहिम शुरू की है जिसके तहत गांव के पौधे, मिट्टी और पानी लेकर के बॉर्डर जो अब हमारे धाम बन चुके हैं वहां पर ला करके चढ़ा रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि ये आंदोलन जन जन का है। मैं एक बार निवेदन करूंगा साथियों, अभी स्टेज की तरफ जा रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा एक बार पूरी यात्रा को एक बार आप देखेंगे कि जो शिवजी का रथ है जिसको युवा हाथ से खींच करके लेके आए हैं, सैकड़ों की संख्या में युवा और बुजुर्ग खटकड़ टोल प्लाजा जींद से एक ऐतिहासिक यात्रा निकाल रहे हैं और आप अभी देख सकते हैं, कि पूरी यात्रा जो है, भाई एक बार हमारे बताएंगे इस यात्रा के बारे में। ये यात्रा किसानों की सिंगू बॉर्डर पर अपने खेत का जल और मिट्टी लेकर आए हैं। तो किसानों का जो ये प्रोग्राम है इसमें किसान मोदी सरकार को जगाना चाहते हैं कि हो सकता है आगे मोदी सरकार हमारे जल चढ़ाने से, खेत की मिट्टी बॉर्डरों पर लाने से जाग जाए। अगर अब भी सरकार नहीं जागी तो ऊपर वाला सरकार का जो है ऐसा इलाज करेगा, आगे भविष्य में भी सरकारें इतिहास बन जाएगा, सरकारें याद रखेंगी जी। अभी आप हम जो हमारे खटकड़ टोल प्लाजा से जो हमारे साथी हैं उनसे एक बार बातचीत करवाते हैं, भाई हमारे अमित न्यागल जी, और उसके बाद आप देखिए साथियों ये डीजे के साथ देशभक्ति और किसानी संघर्ष के गाने और शिवजी का रथ ये भाई हमारे संदीप चैल जी हैं जो वहाँ टोल कमेटी के हमारे युवा प्रधान हैं, वो पूरी यात्रा के बारे में एक बार बताएंगे। भाई ये खटकड़ टोल प्लाजा से 105 गांव के युवा साथी मिट्टी और जल लेकर और साथ में हमारे बोले, क्योंकि हमारे जो अन्नदाता हैं वो 8 महीने से अपने आंखों की लड़ाई के लिए यहाँ पर बॉर्डरों पर बैठे हैं। 2 अगस्त से ये यात्रा चली थी खटकड़ टोल प्लाजा से, वहां से ये टिकरी बॉर्डर धाम पे गई, टिकरी बॉर्डर से यहाँ भी सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और कल गाजीपुर बॉर्डर पर जाएंगे। और ये जो साथ में रथ है किसान कावड़ यात्रा में, इसमें किसान के सभी जो कृषि यंत्र होते हैं सभी यंत्र हैं और ये एक मैसेज अपने भाईचारे को, अपने समाज को, किसान मजदूर कौम को कि जो युवा है सरकार कारी मुट्ठी पर है, ये दिखा रहे युवाओं की ताकत है और जन चेतना यात्रा है ये, न कि ये कावड़ यात्रा है। ये हमारे समाज को मैसेज देने के लिए जन चेतना यात्रा निकाली गई खटकड़ टोल प्लाजा के द्वारा। लगभग 500 युवा साथी इसमें शामिल है सभी गांव से, 105 गांव से। अब रवि यादव, बहुत धन्यवाद साथियों, एक बार आपको पूरी यात्रा, ये हमारे वॉलंटियर है भाई हैं जो ट्रैफिक का काम यहाँ संभाल रहे, ये आप देखिए डीजे और झंडों के साथ सैकड़ों की संख्या में ये हमारे युवा साथी हमारे चल रहे। आपको एक बार दिखा देते हैं पूरी यात्रा, भाई हमारे अनीस खटकड़ की एक बार, एक मिनट के लिए बता दो यात्रा के बारे में। भैया यात्रा इस सरकार को जगाने के लिए है और दूसरी बात मैं युवा मनु देखना चाहूंगा भाई कितनी किस हद तक तकलीफ सह सके है और आने वाला टाइम में सरकार खातर सिर्फ एक चेतावनी है भाई, अगर हमारा कोई भी किसान साथी छेड़ा गया तो सरकार और प्रशासन खातर बहुत बुरा होगा, क्योंकि पहला लड़ाई मारे बड़े बूढ़े और मारी माँ बहन लड़ रही थी, लेकिन हर एक युवा साथी घर से बाहर निकल लिया है
और इस आंदोलन की रूपरेखा शांति प्रिय तरीके से रहेगी, लेकिन यदि आक्रमक रुख अपनाना पड़ा समान भाई यदि मारगला जा देती हुई तो हम उससे भी पाछे नहीं हटांगे। सरकार को सीधी चेतावनी है, तीनों काले कानून वापिस लो, साथ में MSP पर गारंटी कानून बनाओ, उसके बाद इसका कोई हल हो इसका है, नहीं तो मामे जैसा इस आंदोलन को चला रहे हैं इससे भी तीव्र गति से ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये भाई हमारे अनीस जी जिन्होंने 2 तारीख से खाना भी छोड़ रखा है जब तक यात्रा चलेगी, तो साथियों एक बार आप दिखा दो ये पूरा जत्था सिंगो बॉर्डर के मंच की तरफ जा रहा है, और इस तरफ ये रथ, ये शिवजी का रथ जो हाथ से युवा खटखट टोल प्लाजा से टिकरी आज सिंगू और गाजीपुर लेकर के जाएंगे, इसके साथ में आप देख रहे हैं ये पूरा ट्रैक्टरों का जत्था जो आपके सामने आगे बढ़ रहा है, ये पूरा ट्रैक्टरों का जत्था जिसमें रहने खाने सोने पीने की सारी व्यवस्था के साथ, थोड़ा ध्यान से दिखा दें एक बार, ये खटखट टोल प्लाजा से पूरी किसान संघर्ष कावड़ यात्रा कावड़ की तर्ज पे सैकड़ों की संख्या में अब तक टिकरी और सिंगू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे कावड़ यात्राएं आ चुकी हैं। तो ये पूरा जत्था साथियों आप देख रहे हैं लगातार, एक बार सबसे निवेदन है कि वो एक बार इसको दिखा दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें साथियों, ताकि दूसरे युवाओं को और किसानों को प्रेरणा मिले कि एक ऐतिहासिक आंदोलन किस प्रकार से एक एक चूल्हे तक जाने का काम कर रहा है। आप लगातार सिंगू बॉर्डर की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है, सैकड़ों की संख्या में हमारे युवा साथी और किसान भाई इस जत्थे को लेकर के आए हैं। ये बैनर भी आप देख सकते हो, खटखट टोल प्लाजा से टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। इसी के साथ में साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय किसान जय जवान जय किसान साथियों।